हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल सौदे को लेकर देश के युवाओं के सामने आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। राहुल गांधी बुधवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज मैदान से बीकानेर संभाग की संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे थे। यहीं से चुनाव का बिगुल बजाते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार आने वाली है जो मजदूर के पास जाकर उनकी मन की बात सुनेगी और हमारे मुख्यमंत्री मंत्री और अफसरों के दरवाजे हर समय आम आदमी के लिए खुले रहेंगे। शुरुआत में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। आप ही बताओ किसी एक भी व्यक्ति के खाते में 10 रुपए भी मोदी सरकार ने डाले क्या? उन्होंने मोदी पर हमलों के साथ किसानों और युवाओं पर अपने भाषण को केंद्रित रखा। राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। मौजूदा सरकार आपको अपने मन की बात नहीं बताएगी, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री मजदूर के पास जाकर उनके मन की बात पूछेगा और मदद करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि कांग्रेस में पैराशूट से उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उन्हें पहले 5 साल पार्टी में काम करना होगा। युवाओं को रोजगार नहीं देने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि युवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने युवा शक्ति के हाथों में हथकड़ी डाल रखी है। देश का युवा भटकाव के रास्ते पर है। बीकानेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।